Chef, voy a ayudar. हर पल मनाओ केसरी त्योहार विमल बोलो जुबान केसरी। कांग्रेस नेतृत्व का इंडी गठबंधन ये बनने के बाद से ही विवाद में है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है, ये स्वार्थ का गठबंधन है, इसीलिए ये लोग लगातार इस प्रकार के बयान करते हैं जो भारत के दुश्मनों को अच्छा लगे और देश में विखंडन की सी स्थिति पैदा हो। कांग्रेस नेतृत्व का इंडी गठबंधन ये बनने के बाद से ही विवाद में है और इसलिए उनके नेताओं के विवादास्पद बयान ये कोई नई बात नहीं है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है, ये स्वार्थ का गठबंधन है, इसीलिए ये लोग लगातार इस प्रकार के बयान करते हैं जो भारत के दुश्मनों को अच्छा लगे और देश में विखंडन की सी स्थिति पैदा हो। इस स्वार्थ का गठबंधन है, अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को, राष्ट्रीय अखंडता को अपूर्णीय क्षति ये लोग पहुंचा रहे हैं और ये सचमुच एक परिवार पर आधारित पार्टियों का एक कैरेक्टर है। कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या समाजवादी पार्टी, इनके बयान आतंकवाद को प्रश्रय देने वाले, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले, भारत के बहादुर जवानों की शहादत को अपमानित करने वाले हैं। चुनाव के दौरान या उसके आगे पीछे भी इस प्रकार के बयान देशद्रोही तत्वों के दुस्साहस को बढ़ाता है और देश में अनावश्यक एक माहौल खराब करने का कुत्सित प्रयास होता है। इंडी गठबंधन का यह कृत्य अत्यंत निंदनीय है और चूंकि इनके किसी भी नेता पर कोई नियंत्रण नहीं है, इसलिए जो उनकी मर्जी में आता है वो उस प्रकार की भाषा का अपने तरीके से, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए उस प्रकार का भाषा का उपयोग अपने स्वार्थ के हिसाब से करते हैं। लगता है चुनाव में कोई लाभ होगा इस तरीके का बयान जो वो दे रहे हैं? देखिए, सच्चाई तो यह है कि जम्मू कश्मीर विकास की एक नई धारा के साथ जुड़ करके आज देश के अंदर एक बेहतरीन लोकतांत्रिक माहौल की तरफ जा रहा है। जो परिवारवादी सत्ता वहां पर हावी थी, आज उसके दिन लग चुके हैं। आज वहां पे जनता के प्रतिनिधि सही मायने में चुनकर के जाने की स्थिति में है, पंचायत चुनाव में उसके उदाहरण भी देखने को मिले। अब जिनकी पैरों के नीचे की जमीन खिसक चुकी है, वे लोग हताशा निराशा में इस प्रकार के बयान दे रहे हैं जिससे कंगाल पाकिस्तान भी इन बयानों से खुश होता है। इसीलिए पाकिस्तान की ओर से इन इंडी गठबंधन से जुड़े हुए नेता राहुल गांधी के बारे में, राहुल गांधी के समर्थन में और उनके नेताओं के समर्थन में बयान आते हैं। सर, कल मैनपुरी में हंगामा हुआ, खासकर महाराणा प्रताप की स्टैचू को लेकर जिस तरीके का अभद्रता की गई, तो कहीं पर तो हम देखते हैं कि पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है, कहीं पर इस तरीके के जब विजुअल्स देखते हैं कितना अफसोस होता है या किस तरीके इन परिवारवादी दलों से आप क्या उम्मीद करते हैं? ये केवल अपने परिवार के लिए तक, अपने परिवार के लिए सीमित है और स्वाभाविक रूप से मैंने पहले भी कहा, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस, इनका कोई नेशनल एजेंडा नहीं है।
इनका एजेंडा इनका स्वयं का परिवार है और स्वार्थ पर आधारित इनके परिवार का एजेंडा एक तरफ राष्ट्र नायकों का अपमान करता है तो दूसरी तरफ माफिया और आतंकी तत्वों को ये लोग प्रश्रय देते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, उनका महिमामंडन करते हैं। यही प्रदेश है। समाजवादी पार्टी ने 2012 में सत्ता में आने पर आतंकवादियों को, उन आतंकवादियों का जिन लोगों ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर, काशी में संकट मोचन मंदिर पर, अयोध्या, वाराणसी और लखनऊ की कचहरियों पर और सीआरपीएफ कैंप रामपुर पे हमला किया था, उन आतंकियों के मुकदमों को बेशर्मी के साथ वापस लेने का कुत्सित प्रयास किया था। अभी कुछ दिन पहले एक कुख्यात माफिया की मौत होती है, उसके मरने पर उसके घर में संवेदना व्यक्त करने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जाते हैं, लेकिन जब राम जन्मभूमि की बात आई थी, का आंदोलन चल रहा था, इनका व्यवहार राम भक्तों के साथ कैसा था? प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की मृत्यु पर समाजवादी पार्टी का आचरण कैसा था? और कल राष्ट्रनायक महाराणा प्रताप की मूर्ति के साथ जिस प्रकार का अपमानजनक और अवमाननापूर्ण व्यवहार समाजवादी पार्टी के नेताओं का था, वह अत्यंत निंदनीय है। मैं इस कृत्य की भर्त्सना करता हूं। और ये केवल समाजवादी पार्टी का नहीं, यही महाराष्ट्र के अंदर राहुल गांधी के साथ भी था। छत्रपति शिवाजी महाराज का एक मूर्ति उनका एक समर्थक उन्हें देना चाहता था, राहुल गांधी ने लेने से इनकार कर दिया। यानी ये राष्ट्र नायक का सम्मान नहीं, ये आतंकियों का महिमामंडन करेंगे, पाकिस्तान का महिमामंडन करेंगे, माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्वों का जो समाज की सुरक्षा के लिए, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं, उनका ये महिमामंडन करेंगे। देश की जनता देख रही है और जनता जनार्दन चुनाव में इनको सही जवाब देगी। हम कह सकते हैं जिस समय ये घटना हुई थी तो उन लीडर्स को उसी समय माफी मांगनी चाहिए, अगर इस तरीके का मामला उनके सामने भी उनको संज्ञान में आया होगा। देखिए, जब कोई बेशर्मी ओढ़ लेता है और केवल स्वार्थ की राजनीति करता है, उसका स्वार्थ उसके परिवार तक सीमित होता है, तो इस प्रकार के दृश्य सामने आते हैं। और कल मैनपुरी की घटना हो या महाराष्ट्र की घटना, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या नेशनल कॉन्फ्रेंस, तीनों एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। इनसे बहुत कुछ उम्मीद मत करिए।